देश में एप्पल का पहला स्टोर आज मुंबई में खुल गया। इसकी ग्रैंड ओपनिंग एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक ने की। अब एप्पल स्टोर की क्या है खास बातें, चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। एप्पल का मुंबई में खुला पहला स्टोर का नाम है एप्पल बीकेसी। ये देश में एप्पल का पहला स्टोर है जो मुंबई के प्राइम लोकेशन में स्थित है। इस स्टोर की ओपनिंग के लिए कंपनी के सीईओ खुद मौजूद थे। वे कल ही भारत पहुंच गए थे और आज उन्होंने भारत में एप्पल के फ्लैगशिप स्टोर की ग्रैंड ओपनिंग की। टिम कुक ने मुंबई बीकेसी एप्पल स्टोर का गेट खोलकर इसकी ओपनिंग की और उनके साथ एप्पल के सैकड़ों फैंस और ऑफिशियल मौजूद रहे। टिम कुक ने एप्पल स्टोर के बाहर खड़े ग्राहकों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और वहां आए कस्टमर्स के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। बता दें, स्टोर के ओपनिंग में सैकड़ों फैंस मौजूद थे और लोग 11 बजे से ही स्टोर में खरीदारी करने के लिए पहले से ही लाइन में खड़े थे। अब एप्पल स्टोर की खास बातें जान लेते हैं। एप्पल बीकेसी स्टोर 20,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। ये स्टोर पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा, यानी ये स्टोर पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल होगा। इसके लिए एप्पल कंपनी ने सोलर पैनल भी इंस्टॉल कर दिए हैं। एप्पल बीकेसी में ग्राहकों के अनुभव को बेहतरीन करने के लिए 100 कर्मचारी भी लगाए गए हैं जो 20 अलग अलग भाषाओं में बातचीत करेंगे। स्टोर पर कस्टमर्स को एप्पल पिकअप सर्विस भी दी जाएगी, यानी ग्राहक घर से कोई भी एप्पल प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं और एप्पल स्टोर आकर पिकअप कर सकते हैं। एप्पल के स्टोर का डिज़ाइन मुंबई की मशहूर काली पीली टैक्सी पर आधारित है। बता दें, एप्पल को भारत में 25 साल पूरे हो गए हैं, ऐसे में कंपनी का ये रिटेल स्टोर काफ़ी खास है। अब जाते जाते एप्पल ने भारत में कितने अरब डॉलर की बिक्री यानी सेल्स की है ये जान लेते हैं। एप्पल ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान भारत में 6 अरब डॉलर की बिक्री की है। ये किसी एक फाइनेंशियल ईयर में एप्पल इंडिया की ओर से दर्ज की गई सबसे ज्यादा बिक्री का आंकड़ा है। बता दें, पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की बिक्री 4.1 अरब डॉलर थी, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर यानी 2023 के दौरान 6 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बिक्री तक पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।